आज हमारे साथ हैं एडवोकेट सत्य प्रकाश गौतम जी। सत्य प्रकाश जी, आपका तो पहले हमारे चैनल में स्वागत है एसएम न्यूज में। थैंक यू जयवीर। सत्य प्रकाश जी, आप बहुजन समाज की बात करते हैं, बहन कुमारी मायावती की बात करते हैं, लेकिन अगर बहन कुमारी मायावती की बात करी जाए तो उनकी बहुत सारी स्पीचेज, वो एक एक अक्षर को बहुत लिमिटेड उसने बोलती हैं, और सारी लोग बोलते हैं कि बहन कुमारी मायावती पढ़कर बोलती हैं, डायरेक्ट स्पीच नहीं देती हैं, तो उसका क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं ऐसा न्यूज को इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसा क्वेश्चन उठाया जो कि हमारे लोगों की नजरों में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका वो जवाब जानना चाहते हैं जी। और उन्हें जब बहन जी पढ़ के बोलती है तो उन्हें कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बहन जी की जो जो ये भाषण शैली वो खराब है जी। मैं एक बात पूछना चाहूंगा, विश्व के जितने भी विश्व प्रमुख होंगे जी, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे चाहे वो चाइना का हो, चाहे रशिया का हो, जितने भी प्रेसिडेंट और सुपर पावर बोलते हैं वो हमेशा लिख के देख के बोलते हैं जी। ठीक है, मुझे एक एक व्यक्ति पूरे दुनिया में ऐसा बता दीजिए जो ताकतवर व्यक्ति हो जो बिना लिखे बोलता हो, किसी राष्ट्र का प्रमुख अगर बिना लिखे बोलता हो तो वो बता दीजिए। दूसरी बात, क्या कमी है बिना लिखे बोलने में? एक जुम्मा चार दिन से एक सरकार दिल्ली में बैठी हुई है जी। ठीक है, उस पर इतने डिफामेशन के मुकदमे चले हुए हैं, इतने मुकदमे चले हुए हैं कि वो सरकार लोगों की भलाई के लिए प्रोडक्टिव काम करने की बजाय कोर्ट में खड़ी रहती है हर दूसरे दिन जी। सिर्फ वो इसी वजह से लिख के नहीं बोलते। दूसरी बात, ये लोग बहुजन समाज को इतना खराब कर देते केस डाल डाल के कि बहन जी ने ये बात बोली, मायावती ने ये बात बोली, और उसके जैसा इस एक बार नोट के समय पर हुआ था कि उन्होंने नोट पहन लिए, पूरे भारत में इन्होंने हल्ला मचा दिया। हम रिकॉर्ड के साथ बोलते हैं, हमें इस बात पे राज करना है। बाबा साहब के सिपाही हैं, बाबा साहब के बच्चे हैं। जब बाबा साहब ने कहा कि जाकर दीवारों पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो जी, तो ये तो लिख के बोलने की ये दीवार है। हम इस देश के हर भाषण में लिख रहे हैं कि हम इस देश के शासक हैं और हमें इस पे रूल करना है। तो ये जो जब हम राष्ट्रपति की तरह नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे किस प्रकार? हमारा इंटेलेक्चुअलिटी का लेवल है कि हम दुनिया से बात करते हैं लिख के, और तुम्हारे अंदर, तुम करोड़ों लोग हमारे अंदर कमियां ढूंढते हो ना। बहन जी के एक भाषण में, लिखित भाषण में कमियां ढूंढ के दिखा दूं? Definitely. आप दिखाइए ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे पास लिखित भाषण नहीं होंगे, आप इस तरीके से भी हमें घेरेंगे, दूसरे तरीके से भी हमें घेरेंगे, हमारे खिलाफ केसेस भी फाइल करेंगे, हमें दुष्प्रचारित भी करेंगे, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया इनकी, वो बहन जी अगर कुछ और बोलेंगी तो वो कुछ और दिखाएंगे, क्योंकि उनका क्या है, उन्हें जो मीडिया में एडिटिंग बहुत बढ़िया चीज है जी। तो वो बहन जी को एडिट करके ऐसा दिखाएंगे कि उन्होंने बोला कि माना जा रही, मैं जा रही हूँ, और वो कहेंगे कि माने जा रही हूँ। ठीक है, तो इस वजह से हमें लिख के रखना जरूरी है। और दूसरी बात, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये पहन दिया है जी, लड़ाई के लिए। रेवोल्यूशन विल कम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पेन, नॉट पॉइंट ऑफ द बैलेट। तो जब बहन जी लिख के खुद बोलती है तो क्या कमी है, क्या हर्ज है आपको? क्या दुनिया का हर किताब या दुनिया की जितनी भी स्क्रिप्चर है वो लिखित में नहीं है? क्या जब हम बात करते हैं वेद पुराण और बुद्धा अंडीज धम्मा की या बाइबल की तो वो लिखित में नहीं है? तो क्या आप उन पर आपत्ति उठाते हो? हमारे लिए, बहन जी का, मेरे लिए हर भाषण मेरी बाइबल का, मेरी वेद का, मेरे पुराण का और उपनिषद का एक पेज है। क्या? तो मैं तो पूरा पूर्ण रूप से चाहता हूँ कि बहन जी बोल रहे जो लिख के बोले, हमारे समाज का हर व्यक्ति। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जीते जी लिखने लायक या कुछ करके चले जाना, या कुछ करके लिख, जीते जी कुछ ऐसा करो जो कोई लिखे, और कुछ ऐसा लिखे जो लोग पढ़े करे। ठीक है, तो बाबा साहब के जो सिद्धांत है, कम से कम बहन जी कुछ लिखने लायक बोल तो रही है, कुछ कर तो रही है। जो ये सिर्फ पेपर नहीं है, वो भाषण नहीं है, इतिहास लिखा जा रहा है। इतिहास का हर एक शब्द है वो भाषण। जब आप उस इतिहास को, जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें बहन जी के इन भाषणों का जिक्र होगा कि इस तारीख को उस रैली में बहन जी ने ये भाषण दिया। क्योंकि इतिहास जो जो है कि हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे, हम अब की बार भारत का इतिहास बदल देंगे, ये सिर्फ बोल के देख के भाषण देने वाली कला नहीं है जी। इतिहास लिखना है, एक एक शब्द को गौर करके लिखना है। समाज के लोगों का फेथ है, हमारे लोग विश्वास करते हैं। अगर आपको पास ये चुनौती है कि भारत का प्रेसिडेंट जब से भारत आजाद हुआ आज तक कौन सा प्रेसिडेंट ने बिना लिखा भाषण दिया है? क्यों प्रधानमंत्री जो चढ़ के लाल किले के पे से लिखित भाषण बोलते हैं? क्या आपने कभी प्रधानमंत्री पे आपत्ति की? क्यों राष्ट्रपति जब अपने देश को संबोधन करते लिख के बोलते हैं, क्या आपने पढ़ के बोलते हैं, क्या आपने उस पर आपत्ति की? लेकिन आपको आपत्ति इस वजह से ज्यादा है
क्योंकि एक बहन जी पढ़े लिखे समाज को पढ़े लिखे तरीके से नेतृत्व कर रही है जी। ठीक है, वो किसी को मारने काटने की बात नहीं करती, वो पढ़े लिखे तरीके से एक सोशल सोशल वे में हमें एड्रेस कर दिया। ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि कल तक घर में पानी ना था, आज नलों में घर में पानी है। कल तक चलो वो एक बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो बहन जी का जो ये बोलने का जो तरीका है मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि दलित समाज का, शेड्यूल कास्ट समाज का, ओबीसी समाज का, शेड्यूल ट्राइब समाज का जो भी व्यक्ति कुछ भी पब्लिकली कुछ भाषण दे तो लिख के दे, अदरवाइज ना दे। आप थे सत्य प्रकाश गौतम जी, जिन्होंने बहुत खूब खूबसूरती से जवाब दिया कि बहन कुमारी मायावती लिख कर क्यों बोलती हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण सत्य जी ने बताया कि बहन कुमारी मायावती तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर काशीराम साहब के पद चिन्हों पर चलती हैं, और उनको संविधान की गरिमा को समझते हुए वो भाषण अपना लिख कर बोलती हैं। सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।